मैं आज आपसे बात करूंगा अच्छी मम्मी कैसे बने। आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। लेडीज जो है ना, वो अपने आप को, एक तो अपने आप के ऊपर गुस्सा करती है, अपने आप को, अपने आप से बहुत त्रस्त हो जाती है। एक बच्चा है, संभालते संभालते नाक में दम आ जाता है। खुद के ऊपर गुस्सा, बच्चों के ऊपर गुस्सा, पति के ऊपर गुस्सा, और कभी दूसरा बच्चा भी जल्दी हो गया तो और भी फिर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, और दो दो बच्चे संभालना कठिन हो जाता है। अभी इसी वक्त क्या करें? कभी बच्चों के ऊपर गुस्सा आता है, कभी पति के ऊपर गुस्सा आता है, कभी सासू माँ के ऊपर गुस्सा आएगा, कभी अपने आप के ऊपर गुस्सा आएगा, तो ऐसे वक्त क्या करें? तो मम्मी लोगों को कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा। नंबर एक, आप सभी को खुश नहीं रख सकते। नंबर एक, क्या होता है कि मम्मी लोग जो है ना, मम्मी सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करती है। सबको जो चाहिए उसकी उसकी खुशी में चलो ये करेंगे। सासू माँ ने कुछ बोला तो वो करेंगे, बच्चे ने बोला तो वो करेंगे, पति ने बोला तो वो करेंगे, और किसी ने कुछ बोला घर के तो वो करेंगे। उसमें होता क्या है कि उसको लगता है कि क्या मैं इसके लिए हूँ घर में? दिन भर काम 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 करना, सब डिमांड करते रहते हैं, और उसको फिर शाम को बहुत गिल्टी लगता है या शाम को थक जाती है। ये ख्याल में रखो कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते, और आपको नो बोलते आना चाहिए। जब नहीं करना है मन से तो आपको बोलते आना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं करूंगी। नंबर एक। नंबर दो, बच्चों के साथ में प्रॉमिस गेम करो। कौन सा प्रॉमिस गेम? कि चलो भाई आज है ना, हम कोई गुस्सा नहीं करेंगे घर में, और आज कोई गुस्सा भी नहीं करेगा और कोई डिमांड भी नहीं करेगा। हर जन अपना अपना काम करेगा, कोई एक दूसरे से काम करने के लिए बोलेगा नहीं। तो ऐसे प्रॉमिस कर लो एक दिन, और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो कि जिस दिन सब लोग अपना अपना काम करें, उससे फायदा क्या होगा? मम्मी को आराम मिलेगा, और नंबर दो, बाकी लोगों को समझेंगे कि काम करने के लिए क्या करना पड़ता है और काम कैसे किया जाता है। फिर नंबर तीन, खुद की केयर करो। मम्मी ने खुद की केयर करना चाहिए, मतलब आप टाइम टाइम पे पानी पीते हैं, जैसा दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जूस लेते हैं, चाय कॉफी लेते हैं समय समय पे, तो ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली नहीं, मेरा पेट क्या आखिरी में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, बाकी लोगों ने खाना खाया तो बाद में मैं खाना खाऊंगा, मतलब जो बचा कुचा है वो मम्मी खाएंगी, या रात को फिर सब लोगों ने खाना खाने में जो बच गया फिर वो खाएंगी, तो ऐसा नहीं करना है। पहले अपने आप को, अपना महत्व ज़्यादा है, अपने आप को फीड करो पहले, अपने आप को खुश रखो। आप खुश रहेंगे तो बाकी सब लोग खुश रहेंगे। अपने आप को पहले फीड करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं आखिरी में, जो बचाओ तो जो भी किया है सबको इक्वल मिलेगा। पहले अपने को करो फीडिंग, जो भी करना है, खाना पीना सब, फ्रूट्स वगैरह जो है वो, और फिर बाकी लोगों को दो, ताकि आपको अपने बारे में एक अच्छा मत तैयार हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि अपने बारे में अपना बहुत घटिया किस्म का मत तैयार होता है। कैसा? कि भाई जो बचा वो मेरा, मैं क्या, कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं, घर पे नहीं है, जो बचा कुचा मेरे को खाना पड़ता है, जो मुझे चाहिए था खाना वो खाने को मिला ही नहीं, गर्म खाना था वो मिला ही नहीं। तो फर्स्ट पे योर सेल्फ, ये जरूरी है, खुद की केयर करो। फिर नेक्स्ट, जो बच्चों को पसंद है ना वो करो, मतलब बच्चों को समझो कोई गिटार उसको पसंद आता है तो चलो उसके साथ में वो खेलते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, उसको मम्मी अपनी दोस्त है उसको लगेगा। डांस करना है चलो उसके साथ में डांस करो, डांस सीखो, ताकि उनको लगे नहीं अपनी दोस्त है मम्मी। तो उससे क्या होगा, एक बार दोस्त करके उसके दिमाग में आता है ना कि अपनी मम्मी अपने पीछे लगने वाली नहीं है, अपने पीछे लग लग के वो मत कर, ये मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा बोलने वाली नहीं है। वो मम्मी है कि जो अपने साथ में रहती है, साथ में डांस करेगी, साथ में गिटार सीखेंगी, साथ में घूमने जाएंगी, जो भी है वो साथ में करेगी। तो अपने बच्चे के दोस्त बनो अच्छे, और जब दोस्त बनते हैं आप तो बच्चे के मन में अपने मम्मी के बारे में अच्छे विचार रहेंगे और वो उसकी सुनेगा। क्या होता है कि हर मम्मी और पापा की एक कंप्लेंट रहती है कि हमारा बच्चा है ना उसके दोस्तों की सुनता है, हमारे नहीं सुनता। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ठीक है, आप उनके दोस्त बन जाओ, आप दोस्त नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम है, दोस्तों की सुनता आपकी सुनता है तो आपको दोस्त बनना पड़ेगा, जो दोस्त करते वैसा करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पाँचवा जो है वो, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। मम्मी ने क्या है कि खुद का एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते नहीं है, तो रेगुलर एक्सरसाइज 40 मिनट की, 60 मिनट की रोज की एक्सरसाइज करना जरूरी है।
और उसके साथ साथ मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, अफर्मेटिव सजेशंस खुद को देना, है ना, योगा करना, तो उससे क्या होता है कि आप खुश रहेंगे, मम्मी खुश रहेंगी, और यदि मम्मी खुश है, मम्मी फिट है, तो फिर वो बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगी। क्या होता है कि मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी फिट नहीं है, तो फिर क्या होता है, बच्चों को मम्मी अवेलेबल नहीं है, बीमार है तो बच्चों को अवेलेबल नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। ताकि फिर आपकी यदि हेल्थ ठीक है तो आपकी आपका दिमाग भी शांत रहेगा, और आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप बच्चों की परवरिश भी अच्छी कर सकेंगे। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, ये आप उसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली एक आप अच्छी मम्मी बन सकती है। ये वीडियो सभी मम्मियों को शेयर करो, आपके ग्रुप में जितने भी मम्मी हैं उनको सबको शेयर करो, ताकि हर एक जन अपने अपने में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। थैंक यू वेरी मच।